मान क्यों नहीं लेते हो ये बात? तुम्हारी किस्मत में घूंघट उठाना नहीं लिखा। इनकी कमर का मोरा काफी डिस्टर्ब हुआ है। ऑपरेशन करने के बाद ये चलने फिरने के काबिल तो हो जाएंगी, मगर मेरे को मां नहीं बन सकेगी। बच्ची की माँ से ना सलाम ना दुआ और बच्ची से इतनी मोहब्बत, ये एक वजह है। तेरा अपमान ही नहीं सकती कुछ। क्या तुम तो खुश हो जाओ, कुदरत ने एक और मौका जो दे दिया तुम्हें हम पर हंसने का, हमारा मजाक उड़ाने का। मैं क्यों तुम लोगों पे हंसूं? ये तो मेरे अल्लाह ने तुम लोगों से इंतकाम लिया है, जैसी करनी वैसी भरनी। मैं अपने माँ बाप के घर अपनी बच्ची के लिए तरसती रही, तड़पती रही, लेकिन तुम लोगों ने मुझे उससे मिलने नहीं दिया। अब औलाद की कमी महसूस हो रही है तो मेरी बच्ची को अपने सीने से लगा के ममता झाड़ी जा रही। कैसी बातें कर रही हैं? भाभी इतने दिनों बाद हॉस्पिटल से आई है, बजाय इसके कि आप इनकी खैर खैरियत पूछे इस तरह की बातें कर रही हैं। अपनी बकवास बंद करो। तुम कौन होती हो हमारे मामलात में दखल अंदाजी करने वाली? तुम्हारी हैसियत ही क्या है? मैं अब इस घर का एक अहम फर्द हूँ। छोड़ो हुरैन, इस औरत के मुंह लगने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये अपने आप को हारा हुआ नहीं देख सकती। हार माने मेरे दुश्मन। मैं क्यों हार मानू? एक बात मेरी कान खोल के सुन ले, बे औलाद का साया मैं अपनी बच्ची पर पड़ने नहीं दूं, मगर दार जो मेरी बच्ची को हाथ लगा।
हीरा, हमने हीरा मेरी बच्ची अल्लाह ने अभी पता नहीं और न जाने क्या क्या दिखाना है, बड़े से बड़ा तूफान भी आता है तो तबाही फैला कर चला जाता है, पता नहीं किसी ने मेरी बच्चियों पर क्या कर दिया है, के बाद दूसरी दूसरी के बाद तीसरी तीसरी बताती चली जा रही, आपका इशारा कहीं हो रहा है नहीं या उससे मेरी शादी की तरफ तो नहीं? नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, मेरा इशारा तो अपनी बेटी की बेवलादी की तरफ है। अम्मा, अम्मा मैं सच बताऊं, मुझे लगता है मुझे धक्का सब आप ही ने दिया था, सब आप ही ने मुझे धक्का दिया था अम्मा। हाँ बेटा, अगर कचरा पड़ा हो तो ऊपर से नया कचरा भी लोग लाके डाल देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब ये इल्जाम भी तुम उसके सर डाल दो। नहीं अम्मा, ये इल्जाम नहीं है, कोई भी मखमल के बिस्तर या सफेद चांदनी पर कूड़ा नहीं फेंकता, कूड़ा हमेशा वही फेंका जाता है जो जगह पहले से मैली कुचैली हो। आप कहते हैं आप ही पर ये इल्जाम है, ये महज इल्जाम ही बकायदा साबित हो चुका है। हेरा प्लीज, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। अब्बास भाई मैं सच कह रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ, मैं उरैन का पर्स लेने के लिए गई थी, पर्स लेके मैं आ रही थी, मैं नॉर्मल तरीके से उतरने लगी कि मुझे किसी ने पीछे से धक्का दिया है, धक्का दिया है मुझे। कि ये नागहानी भी तुम्हारी किस्मत में लिखी थी, इसे किस्मत का लिखा समझकर कबूल कर लो। अम्मा, हॉस्पिटल से जब मैं वापस आई, मैंने नताशा को अपने घर लगाया। अम्मा अम्मा, मैं उसे प्यार कर रही थी, आप ही आई, मुझसे नताशा को छीन लिया। सबा ने नताशा को छीन लिया? सिर्फ छीना ही नहीं, ये भी कहा, मैं नहीं चाहती बे औलाद लोगों का साया मेरी औलाद पर पड़ा हुआ। सब ने ये कहा तुम्हारा? मैं आता हूँ, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो हरियाणा को बता दीजिएगा। शर्म नहीं आई तुम्हें हीरा से ऐसी बातें करते हुए? तुम्हें बहुत शर्म आ गई, बजाय इसके कि मेरा हाल पूछो उसकी वकालत करने चले आए हो। क्या हाल पूछो तुम्हारा? हाँ क्या हाल पूछूं? इस हाल को तुम अपनी हरकतों की वजह से पहुंची हो, सुना तुमने? खुदा जाने तुम्हारी हरकतें ठीक भी होंगी कि नहीं। अच्छा, मुझे अपने कमरे से तो निकाल ही चुके हो, इस बात को बेस बनाकर इस घर से भी निकालना चाहते हो? ओह फॉर गॉड सेक सबा, कुछ तो मार्जिन छोड़ दो तुम, कुछ तो रिश्तों का एहतराम करना सीख लो तुम। हाँ हाँ, इस घर में तो जैसे सभी को मेरा बहुत एहसास है ना, जो मुझे रिश्तों का एहतराम करना सिखा रहा है उसने मेरे साथ क्या किया? मेरी मदद करने के बहाने मुझसे रिश्ता जोड़ा और मेरे ऊपर फौतन लेकर आ गया। अच्छा शट अप, और वो भी रोमांस लड़ा के। गो टू हेल।
अपनी बेकार बकवास बंद नहीं करोगी? हसद में इतनी पागल हो गई? हमारी इज्जत रह कहाँ गई है जो इससे निकाह का इनकार करवा के हमारी रही सही इज्जत भी खत्म करवाना चाहती हो? शौहर है और क्या किया है मैंने? खुदा का वास्ता मुझे इतना मत सताएं कि मेरी जबान भी आपकी तरह चलने लगे या फिर मेरे हाथ उठ जाए आपको बदवा देने के लिए। शादी नहीं थी तुम्हारी जिद थी। तुम अपनी बहन का घर उससे दूर रहकर तो बर्बाद ना कर सके, अब उसके घर घुस बैठने का बहाना ढूंढा। मैं उसके घर के अंदर नहीं गई अब्बा, वो मेरे घर में घुस आई। बेकार की बातें ना करो, तुम अपने जख्म भरने नहीं दे रहे। जब भी वो भरने लगते हैं तुम खुरच खुरच के उन्हें और गहरा कर देती हो ताकि तुम्हें तकलीफ हो और तुम उस तकलीफ का बदला उस बेचारी से। अच्छा होता तो पहले मर जाती, तेरी मां ही तेरा गला दबा देती। तू अपनी बहन का घर बर्बाद कर रही है, चुल्लू भर पानी में डूब मर। अरे तुम तो पैदा होते ही मर जाती तो अच्छा था। बंद करो अपनी बकवास, सब चुप कर जाओ। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ गलत नहीं किया। तुम सबने मेरे साथ बुरा किया, सबने। मैंने सिर्फ बदला लिया। खुशियां मना रहे हो और मुझे कह रहे हो कि मैंने गलत किया। देख, तुम सबने मुझे अकेला छोड़ दिया। मैंने सिर्फ बदला लिया है और अब भी रुकी। क्या तुम्हें यही मौका मिला है यहां से ले जाने का? मेरे ले जाने का कोई एहसास नहीं है। एहसास है तो सिर्फ नताशा के जाने का, क्योंकि हिना को तकलीफ होगी। कब कहा है मैंने कि तुम घर छोड़कर चली जाओ? कब कहा है मैंने? तुम रहो अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ, मैं अपनी बच्ची के साथ वापस जा रही हूँ। आप ही वो रो रही है, उस पर तो रहम खाओ। खुदा के लिए मत जाओ, तुम जो कहोगी जैसा कहोगी मैं वैसा करूंगी। तुम्हारे आगे कुछ नहीं बोलूंगी, खिदमत करूंगी तुम्हारी, लेकिन नताशा को लेके मत जाओ, मत जाओ। तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रही हो? ये तुम्हारे साथ साथ असद की भी औलाद है, वो चाहे ना तो कोर्ट के थ्रू इसे छीन सकता है तुमसे। सुना तुमने? नहीं नहीं, असद ऐसा नहीं करेगी। ये तुम्हारी औलाद है और कोर्ट जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप भी खुदा के लिए मेरी सुनी को ऊपर रहम खाओ। तुमने मुझ पे रहम खाया? मैं कितना रोई कितना गिड़गिड़ाई तुम्हारे आगे कि तुम मेरी सगी बहन हो, ऐसा मत करो। मैं तो तुम लोगों की जिंदगी में कांटा हूं ना, अब मैं जा रही हूं अपनी जिंदगी को खुशियों से गुजारना। आप ही वो बहुत थोड़ी हो रही है। तुमने अगर हिम्मत है ना तो मुझे रोक के बताओ, अपनी बच्ची पर तुम्हारी परछाई भी पड़ने नहीं दूंगी मैं। अगर तुमने इस घर से एक कदम भी बाहर निकाला तो मैं तलाक दे दूंगा तुम्हें।
कौन आ गया? ओहो, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मेरा बच्चा आया, मेरा बच्चा आया, बिस्मिल्लाह। अब क्यों आई हो यहाँ? अरे गुस्सा ना करें, आज तो नहीं है, कितने दूर से आ रही है। ओ ओ ओ, ओ मैं क्या कर आती हूँ? ओ ओ ओ, मैं पूछता हूँ क्यों आई हो यहाँ? पुराने रिश्तों को अपनाने के लिए एक आभास ही काफी होती है अब्बा। आपकी बेटी हमेशा के लिए आपके पास आ गई। क्या अब क्या करके आई है? जवाब दो, मेरा दिल डूब रहा है। अरे 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 अरे, क्यों चिल्ला रहे हैं बच्चे पे, क्यों गुस्सा कर रहे हैं? ये कह रही है मैं अब वहाँ नहीं रहूंगी। क्या कह रही है तू? आपको अच्छी तरह से तो पता है कि हीरा कभी माँ नहीं बन सकती। चुप कर जा कमबख्त, मैंने तेरे बाप को नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? पता तो चले कि खुदा की लाठी कितनी बे आवाज होती है। जब पर चुप चुप ठीक है अब्बा, मुझे तो चुप करवा लेंगे, लेकिन मैं बता रही हूँ मैं अपनी बच्ची पर उन लोगों का साया पड़ने नहीं दूंगी, इसलिए मैंने अरबाज से तलाक ले ली है। संभाली खुद को, संभाली अरे शुक्र है मेरी अज़ियतें खत्म होने का वक्त आ गया। मैं समझ तो नहीं पा, मैं अस्पताल जाने के लिए टैक्सी लेकर। नहीं, नहीं ऐसा ना कहे, कोई 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 फायदा नहीं। ऐसी जिल्लत जिंदगी से तो मौत बेहतर है। ऐसा ना कहे, ऐसा ना कहे, मैं समझ बोले अब्बा, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। तुमने बहुत बुरा किया, तुमने जो भी किया बुरा किया, सब यहाँ तक के अपनी बाप की जान ले ली। ऐसा मत बोले अब्बा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं उस घर में वापस चले जाऊंगी, मुझे माफ कर दे अब्बा। ऐसे मत बोले, मैं जी नहीं पाऊंगी। अब कोई फायदा नहीं, मुझे मौत लग रही है। ऐसा ना कहे, ऐसा ना कहे, मेरा क्या बनेगा? तुम भी इसे नसीब का समझा, समझ कर सबर कर लेना। जब भी अल्लाह को याद करना, विर्द करना, तो यही दुआ करना कि वो सबा जैसी बेटी किसी को ना दे। अब तुझे कुछ कहना बेकार है, लेकिन मरते हुए बाप की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दे। अब्बा मेरी जान मांग ले, मैं दे दूं, पर मुझे माफ कर दे अब्बा। आप हुक्म करें, मैं अपनी जान दे दूंगी। हुक्म नहीं है, इल्तिजा है। अपनी बेटी मेरा को दे दे।
वो उसकी गोद उजड़ गई है। वो मां नहीं बन सकती, मगर तू तो फिर भी मां बन जाएगी। हो सकता है मां ही समझ से अल्लाह अल्लाह तुझे माफ कर दे। आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, मुझे इसकी तार छोड़कर जा रहे हैं। जब तुम्हारा चेहरा देखूंगी जिंदगी में, मेरे कानों में तुम्हारे बाप का कहा हुआ आखिरी वक्त का वो जुमला गूंजता रहेगा। अल्लाह सबा जैसी औलाद दुश्मन को भी ना दे, अल्लाह सबा जैसी औलाद दुश्मन को भी ना। सारा कौन देगा? मेरा तो कोई बेटा भी नहीं है, किससे दुख सुख करूंगी? बस करें बहन, सबर करें। इनके रूह को तकलीफ होगी, सबर करें बस। देखिए आपके सामने दो दो दामाद नहीं बल्कि बेटे खड़े हैं, सबर करें। आपको देखकर हेरा भी इतना रो रही है, बस कर जाए। भाई जाके बोलो जरा सा लेके जाना। आंटी वो जाने का टाइम हो गया। नहीं, मैं नहीं लेके जाने दूंगी, मैं इनके बगैर कैसे रहूंगी? नहीं जाने
कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है सबा, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरे सर से सुहाग तुम्हारी वजह से छिना, हीरा हीरा मेरी बच्ची तुम्हारी वजह से बेऔलाद रह जाएगी। इस घर की खुशियों को तुम खा गई। दूसरी बार तुमने अपनी वजह से तलाक ली और अपने बाप की मौत का सबब भी तुम बनी। जानती हूं तुम यही कहोगी कि मौत तो एक दिन सबको आनी है, कि मौत के लिए भी कोई बहाना बनता है, और अपने बाप की मौत का बहाना तुम बनी हो। मैं जब जब तुम्हारा चेहरा देखूंगी जिंदगी में, मेरे कानों में तुम्हारे बाप का कहा हुआ आखिरी वक्त का वो जुमला गूंजता रहेगा। अल्लाह सबा जैसी औलाद दुश्मन को भी ना दे, अल्लाह सबा जैसी औलाद दुश्मन को भी ना। अरे मैं तो तुम्हारी ओछी हरकतों पर पर्दा डालती रही कि सबा दुखी है, सबा दुखी है। इंसान दुखी होता है तो उसे किसी दूसरे के दुख का अंदाजा होता है, पर तुम दुखी नहीं थी। मैं गलती पर थी, तुम तो बुरी थी, और इतनी बुरी थी कि जितना बुरा कहा जाए कम है। याद रखना सबा, खुशियां उन्हें मिलती हैं जो दूसरों को खुशियां देते हैं, वरना तो यहां वो ही काटते हैं जो बोते हैं। काटे बोगे तो काटे उगेंगे, गुलाब बोगे तो गुलाब उगेंगे। सारी तैयारियां हो गई हैं? जी भाभी, सबको पैगाम भिजवा दिया है, दोपहर तक आ जाएंगी सारी औरतें। क्या वो सोया में नहीं चल रहा क्या? नहीं, मैंने और हुरैन ने फैसला किया है कि अब्बा की स्वयं के फाते हम घर में ही करेंगे। उस दिन जनाजे में तो सबा कुछ नहीं बोली, लेकिन आज जरूर होना चाहेंगे। मैंने उसे तलाक दे दिया तो वह क्यों आई है यहाँ पर? वो है कहाँ अभी? वो जा चुकी है हीरा भाभी के लिए खत देके गई। खोलो इसे, क्या है इसमें? मैं सबसे माफी लेना चाहती हूँ, मैंने पैसे को देने वैसे करके आपसे समझाने के हिसाब से तरह पड़ेगी। बदले को जैसे समझ के लोगों का हिसाब रखते हो और उसे जैसा बदले लेना चाहती हूँ। मगर जो बात हम लोग नहीं करना चाहिए वो बदले माफ करने वाले बदले पर मेरा असल मुझे असल है।
फॉर गॉड सेक असर, तुम्हें किसने कहा था इन लोगों से कहो कि दुल्हनों की तरह तैयार हो जाएं? पौने तीन घंटे से तैयार हो रही हैं। काम डाउन भाई, अपनी शादी में ना हीरा प्रॉपरली दुल्हन बनी थी, ना रैन भाभी बनी थी। अगर आज तैयार हो जाती हैं तो व्हाट्स द बिग डील यार। हां वैसे दैट्स फेयर, यू आर राइट यार। तैयार होकर आएंगे, हम पिक्चर्स बनाएंगे, वो सारी पिक्चर्स जो सबन ने डिस्ट्रॉय कर दी थी। अगर मेरी बहन को बुरा भला कहा तो? आपकी बहन तो मेरे सरों पर है। हम लोग के हाथ जोड़ता हूं, अब हम पिक्चर्स उतार सकते हैं। श्योर, आप खड़ी हो भाभी, मैं खींचता हूं। उस दिन आखिरी बार मैंने अपनी बच्ची को देखा। मुझ पे इतने सितम हुए कि मैं मोम से पत्थर बन गई। और पत्थरों में एहसास कहाँ होता है? ना किसी के वजूद की तकलीफ होती है, किसी ने मुझे माफ नहीं किया, क्योंकि सबको यही लगता था कि मैंने सबके साथ बहुत गलत किया। लेकिन सब ये भूल गए कि मुझे पत्थर बनाने वाले भी तो वही थे। इतनी नफरत की सबने मुझसे, मुझे तो किसी ने ढूंढा भी नहीं। क्या आपने अपने शौहर से इतनी मोहब्बत की, जिनको हासिल करने के लिए आपने अपनी बहन की जिंदगी उजाड़ दी और अपने वालदैन की इज्जत रौंदने पर तुल गई? हाँ, मैंने अपने शौहर से बहुत मोहब्बत की, बहुत। लेकिन वो भी तो अपनी मोहब्बत के लिए खुदगर्ज था। उसने अपनी मोहब्बत को पा लिया और मेरा मुकद्दर इस जगह को बना दिया। क्या आप लोगों को कोई पैगाम देना चाहेंगी? मेरी जिंदगी एक पैगाम ही तो है। हाँ, मैं पाना चाहती थी अपनी मोहब्बत को। मुझे जलन थी इस बात की कि मेरी बहन मेरा घर उजाड़ रही है। मैं लेना चाहती थी बदला, पर वो भी तो मेरा हक था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्या आपने हमें टाइम दिया और अपनी जिंदगी के बारे में खुल के बताया, ताकि लोगों को एक तरीके से सबक हासिल हो सके।
कितना प्यारा बोलती हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? नताशा। Press the bell icon to watch the latest dramas.